अज असीं गल करन जा रहे हैं एक ऐसे कलाकार दी जेड़ा बॉलीवुड हॉलीवुड ही नहीं सगों यूरोपियन फिल्मों में भी काफ़ी नाम कमा चुका है, जो बॉलीवुड फिल्मों में खास तौर पर खलनायक की भूमिका में नज़र आया। अज असीं गल करन जा रहे हैं कबीर बेदी के बारे में। कबीर बेदी का जन्म 16 जनवरी 1946 एक सिख परिवार में होया। कबीर बेदी के पिता बाबा प्यारे लाल सिंह बेदी एक लेखक सी। कबीर बेदी की माँ फ्रेडा बेदी एक ब्रिटिश औरत सी। कबीर बेदी के 4 विआह हुए सी। कबीर बेदी की पहली पत्नी का नाम प्रतिमा बेदी सी। प्रतिमा बेदी उड़ीसा की एक डांसर सी। कबीर बेदी ते प्रतिमा बेदी के 2 बच्चे पूजा बेदी ते सिद्धार्थ बेदी। पूजा बेदी कई बॉलीवुड फिल्मों में भी नज़र आ चुकी है। पूजा बेदी बिग बॉस भी कर चुकी है। जे गल करिए सिद्धार्थ बेदी की, तो सिद्धार्थ बेदी ने फिल्मों तो हमेशा ही दूरी बना के रखी। सिद्धार्थ बेदी अमेरिका इंजीनियरिंग की पढ़ाई करन गया सी, जिते सिद्धार्थ नू सिग्जोफ्रेनियम बीमारी हो गई सी, जिस नाल सिद्धार्थ नू कई ऐसिया चीज़ा दिसन लग गई सी जो है ही नहीं। इसे दे चलदिया सिद्धार्थ नू एक बार कनेडा दी सड़कां ते पुलिस ने काफ़ी बुरी हालत में फड़िया सी, जिसका जिक्र कबीर बेदी ने अपनी पुस्तक स्टोरीज आई मस्ट टेल विच भी किया। इस बीमारी के चलदियां सिद्धार्थ बेदी ने खुदकुशी कर ली सी। थोड़े ही समय बाद प्रतिमा बेदी की भी डैथ हो गई सी। कबीर बेदी का दूजा विआह सुजन नाल होया सी। सुजन फ्रेंच की एक मॉडल सी। कबीर बेदी ते सुजन का एक बेटा है एडम बेदी। एडम बेदी अमेरिकन एक्टर ते मॉडल है। कुछ समय बाद कबीर बेदी ते सुजन का भी डाइवोर्स हो गया सी। कबीर बेदी का तीजा विआह होया सी निक्की बेदी नाल। निक्की बेदी ब्रिटिश टैलीविजन ते रेडियो प्रजेंट रह चुकी है। कबीर बेदी ते निक्की बेदी का भी किसी वजह करके 2005 विच डाइवोर्स हो गया सी। फिर 2016 विच कबीर बेदी का विआह होया प्रवीण दसांझ नाल। प्रवीण दसांझ प्रोड्यूसर होने के नाल नाल एक्टर भी ने। प्रवीण दसांझ ते कबीर बेदी की उम्र 29 साल का फर्क है। जे करियर की गल करिए कबीर बेदी ने थिएटर तो अपना करियर शुरू किया, फिर बॉलीवुड में एंट्री की। जे अज की गल करिए कबीर बेदी बॉलीवुड हॉलीवुड के नाल नाल यूरोपियन फिल्मों के भी सुपरस्टार वजों जाने जाते हैं। जे वीडियो चंगी लगी तो वीडियो को लाइक तो चैनल सबसक्राइब जरूर कर देना जी। जल्दी ही मिलते हैं तुम्हें एक नवे टॉपिक के नाल। मुझे ज्यादा ऊंचे उड़ने वाले परिंदे अच्छे नहीं लगते। कौन करेगा मेरा अंत? शायद तुम भूल गए हो कि लोग जहां पर सोचना बंद कर देते हैं, राणा वहां से सोचना शुरू करता है। इन्होंने मेरी क्रूरता देखी है, अब मेरी क्षमता देखेंगे।